तो बच्चों अब ये सेकंड क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। देखो बच्चों मैं इसको कैसे करता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है, देखो कैसे करना है, बड़े आराम से मैं बताता हूँ। एक्स माइनस वाई इस वाले को लेता हूँ, और देखो ये पूरा है, इस पूरे को मैं इधर फेंक दूंगा तो माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ध्यान से देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ अभी। फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो ए एक्स है प्लस बी वाई है, और इस पूरे को उठा के मैं उधर रख देता हूँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान से देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, देखो यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे भी वन होगा, ठीक है। ध्यान से देखो ए वन जो हो जाएगा मेरा, देखो कितना है वन आ गया। फिर मेरा बी वन कितना होगा बच्चों, बी वन होगा देखो माइनस वन, तो मैं माइनस वन लिख लेता हूँ। और जो मेरा सी वन होने वाला है वो कितना है बच्चों, माइनस ए प्लस बी। तो देखो बच्चों ऐसे करना है इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इस वाले में देखो ए टू कितना होने वाला है मेरा ए, फिर बी टू कितने वन होने वाला है मेरा बी, और देखो सी टू होने वाला है मेरा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये मेरा हो चुका है, और आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं फॉर्मूले में इसको डालता हूँ और देखो फिर कैसे वैल्यूज आती है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और अब देखो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर फॉर्मूला लगाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि आपको अब पता चल गया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, जो कि बड़ा इजी है। वो क्या है देखो, एक्स अपॉन बी सी माइनस बी सी इक्वल्स टू वाई अपॉन क्या होगा बच्चों, सी ए माइनस सी ए, ये आपने पहले करना है, इक्वल्स टू वन अपॉन फिर ए बी माइनस ए बी, ये करना है आपने पहले। फिर देखो वन टू फिर टू वन, फिर वन टू फिर टू वन, फिर वन टू फिर टू वन, बस ये याद रखोगे हो गया सॉल्व। और देखो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो कैसे होने वाला है ये, तो बड़ा इजीली। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ ताकि मुझे पता चलते रहे कि ए वन क्या है बी वन क्या है, ठीक है। तो देखो अब आप भी आराम से करो इसको, बहुत ही ईजी है देखो ये, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो देखो अब ओके एक्स अपॉन बी वन क्या है बच्चों, देखो माइनस वन, तो मैं यहाँ पे माइनस वन लिखता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट रखते रहना, ठीक है। इन टू सी टू क्या है, देखो सी टू है मेरा, देखो ये माइनस ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया मेरा माइनस, अब देखो बी टू क्या है, बी टू बी टू बी टू बी टू बी टू इज बी, ब्रैकेट लगाओ बी टू बी ए, और सी वन कितना है, सी वन सी वन सी वन है, देखो माइनस है ए प्लस बी, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। इक्वल्स टू वाई अब मैं करता हूँ, अब वाई कितना होने वाला है देखो बच्चों, सी वन, सी वन कितना है, सी वन सी वन है माइनस, देखो यहाँ पर लगा लो ब्रैकेट में माइनस बाहर है ए प्लस बी, ठीक है, और ए टू कितना है, ए टू है मेरा ए, ठीक है, माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर ब्रैकेट लगाने के बाद सी टू कितना है देखो माइनस ए स्क्वायर, इस माइनस, हाँ माइनस बाहर है ना, तो मैं फिर माइनस बाहर लगा देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर मेरा है ए वन, ए वन कितना है बच्चों, ए वन है वन, ठीक है जी, इतना मैंने कर लिया है। अब मैं इक्वल्स टू वन अपॉन, अब देखो ए ए वन कितना है मेरा वन, बी टू कितना है, बी टू है मेरा बी, माइनस ए टू कितना है, देखो ब्रैकेट लगाता हूँ, ए टू कितना है, ए टू है ए, इंटू बी वन कितना है मेरे पे माइनस वन, तो देखो ये आ गया है मेरे पे। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, देखो ये मैंने सब कर लिया है, अब मैं इसको यहाँ पर फर्दर सॉल्व करता हूँ और नेक्स्ट पेज में मुझे इसको करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ ताकि आपके लिए सब चीज़ ईजी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो अब मैं इसको करता हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो देखो ये हो जाएगा एक्स अपॉन, तो बच्चों ये देखो माइनस और माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो बच्चों ये माइनस है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो देखो बच्चों ये क्या हो जाने वाला है, ये मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस है यहाँ पर, और फिर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो बच्चों देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो माइनस है, माइनस मैंने बाहर लगा लिया है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बच्चों ये हो जाएगा ए बी, देखो ए इन माइनस ए इंटू बी होगा माइनस ए बी, और फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरा इक्वल्स टू। अब मैं वाई पे करता हूँ, वाई अपॉन देखो ये हो जाएगा बच्चों कितना माइनस, ये हो जाएगा देखो, इसको मैं माइनस खोल दूंगा, देखो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है, और फिर इंटू ए, फिर माइनस, फिर
और ध्यान से देखो ये फिर हो जाएगा कितना, देखो मैं बड़ा इजी वे में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन। अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रखते हैं इसको, ठीक है। अभी पहले मैं ये वाला सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये वाला सॉल्व करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वाला ये वाला सॉल्व करूंगा। तो ज़्यादा खिच पिच ना करके हम अब करते हैं इसको। एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब देखो ये हो जाएगा प्लस ए बी और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा देखो, इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ, तो बच्चों ये भी माइनस होना था, देखो ये भी माइनस होता है, और जब माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा फिर ये प्लस। तो देखो अब ये कट जाएगा और ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब मैं इसको यही रहने देता हूँ यहीं पे, फिर अब मैं वाई सॉल्व करता हूँ। देखो वाई हो जाएगा कितना बच्चों, वाई हो जाएगा मेरा, आप इसको सॉल्व करना, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये इससे कट जाएगा, तो वाई आ जाएगा बच्चों कितना, वाई आ जाने वाला है मेरे पे माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पे ये जो लास्ट वाला था कौन सा, हाँ ये वाला, तो ये हो जाएगा वन अपॉन बी बी माइनस, और देखो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो मुझे इसको इक्वेट करना है, इसको इससे इसको इससे, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एक्स अपॉन इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ ए माइनस बी इक्वल्स टू, मैं इसके साथ इक्वेट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ना होकर बच्चे ये सॉरी प्लस था, ये देखो ये प्लस था ना, तो ये प्लस मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा बच्चों बी प्लस ए, या फिर ए प्लस बी लिखो एक ही बात है, कट गया। तो देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे ए, तो देखो एक्स की वैल्यू मेरे पे आ चुकी है, मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। तो देखो वाई हो जाएगा बच्चों माइनस, अब देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा ए माइनस अंदर था ये प्लस और बी। अब ध्यान से देखो मैं इसमें क्या कॉमन लूँ, बी कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में बी है तो मैंने बी कॉमन ले लिया, माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पर फिर मैं यहाँ ए प्लस बी इससे इक्वेट करूंगा, ये पूरा कट गया, तो वाई आ गया बच्चों मेरे पे माइनस बी। तो देखो बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई ए और वाई की वैल्यू आ गई माइनस बी। तो देखो बच्चा कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका।